इंडिया पर इमलिया सुल्तानपुर से आ रही बड़ी खबर। नहाने का एक 10 वर्षीय बालक तालाब में डूबा। मंगलवार की दोपहर अपने साथियों के साथ गांव के ही तालाब में गया था नहाने। गहरे पानी में जाने पर भागकर साथियों ने दी परिवारिक जनों को सूचना। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिवारिक जनों व ग्रामीणों ने डूबे हुए बालक को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। मृतक का पिता नोएडा में करता है मजदूरी, उसके आने का परिवारिक जन कर रहे इंतजार। आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके के परेवा निवासी मूलचंद्र नोएडा में मजदूरी करने को गया है, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य गांव पर रहते हैं। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र कपिल मंगलवार को अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया। शोर मचाने पर उसके अन्य साथियों ने भागकर उसके परिवारिक जनों को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिवारिक जनों और ग्रामीणों ने तालाब में उसकी तलाश की। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।